गाइस जय माता दी, मैं रेनू शर्मा अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और देखो काव्या बैठी है मेरी, और देखो फोन देख रही है। आजकल के बच्चों को फोन मिल जाए बस कुछ नहीं है, ना मम्मी पापा का ध्यान रहे ना किसी का, बस फोन चाहिए। और मैं अपना ब्लॉग बना रही थी लेकिन मेरा फोन नहीं दे रही थी, फिर दूसरा फोन दिया इसको। और आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मेरे घर में है सबकी छुट्टी, और देखो ये भी बैठी हुई है और फोन देख रही है। और देखो अब बनाऊंगी नाश्ता, और देखो काम मेरा हो गया है लेकिन फिर भी बच्चे ना मैसी मैसी सा कर देते हैं, सारा घर में रहते हैं। तो देखो और नाश्ते में क्या खाएगा, आदि बता दे क्या खाएगा, जल्दी बता। पकौड़ी बना दूं, हाँ कड़ी बनाऊंगी तो उसी में पकौड़ी बना दूंगी तेरी, ठीक है। काव्या तुझे क्या खाना बेटा, जल्दी बता। मैगी। तुझे तो मैगी चाहिए बेटा, ज्यादा मैगी नहीं खाते, देख ले गंदी बात होती है मैगी। क्या मैगी, पकौड़ी बना दूं, पीली वाली, पीली वाली पकौड़ी, येलो वाली प्याज वो बना दूं, आलू वाली बनाऊं ना, आलू वाली खाएगी और बच्चे खाएंगे सिंपल आलू वाली पकौड़ियाँ, और मैं कड़ी बनाऊंगी इसलिए उसमें ही पकौड़ियाँ बना दूंगी और बच्चे खा लेंगे पकौड़ियाँ। और मैं आ गई अपनी रसोई में, ज़्यादातर रसोई में ही लेडीज़ों का वक्त गुजरता है। और आज मैंने क्लीनिंग वगैरह इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि ऊपर चल रहा है काम तो इतना नहीं हो पाता, इसलिए अब मैं आ गई रसोई में। और क्लीनिंग क्या, देखो बच्चे पड़े हैं सोफे पे, सोफा कभी इधर उधर, अभी सफाई करी थी फिर ऐसे ही हो गया। और मेरी रसोई में है थोड़े से बर्तन, इन्हें मांज लेती हूँ, थोड़े से ही हैं ज्यादा नहीं है, और फिर बर्तन वर्तन सब जाते हैं तो लगता है चलो रसोई साफ हो जाएगी, फिर जल्दी से काम करने का मन नहीं करता है। रसोई साफ हो जाए या कुछ भी साफ हो जाए तो लगता है कि हाँ मन खुश हो जाता है कि अरे हमारा काम हो गया, और उसके बाद सफाई करने में ही काम करने का मजा आता है। और आलू कर लेती हूँ वॉश, तैयारी कर लो तो जल्दी से काम हो जाता है, आलू वालू छील लो और सारी तैयारी करके 84 दिन में फिर हो जाता है। और देखो मैंने दही चला लिया है, और इधर मैं रख दूंगी और पकौड़ियों के लिए कर लूंगी आलू क्योंकि बच्चे खाएंगे सिंपल। अब बताना कौन कौन, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ लंबे लंबे काट के पकौड़ी। एक तरफ बनाने रख दी है मैंने चाय, और चाय के साथ खाएंगे बच्चे पकौड़ी। और काव्या को लग रही है बहुत तेज भूख, कह रही है जल्दी बना दो मम्मा। आधी हरी मिर्च डाल दो, लाल मिर्च डालो बस, बच्चे नहीं खाएंगे हरी मिर्च। और इसमें हल्दी डाल दूंगी, और मिर्च डाल दी है, और बेसन मैंने छान लिया था, बेसन डाल दूंगी पकौड़ियों में। और मैंने काटे हैं इस तरीके से आलू, लंबे 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 आलू काटे हैं। और डाल दूंगी पकौड़ियों में ही, इनका फ्लेवर अच्छा आ जाएगा और बच्चे सिंपल ही खाएंगे। और बना लेती हूँ पकौड़ियाँ, देखो मैंने इस तरीके से डाली हैं, फ्रेंच फ्राई की तरह बन जाती हैं। और देखो ये आ गई पकौड़ियाँ लेने, चटोरी आए एक नंबर की, और ये खाने आ गई पकौड़ी। और देखो मैंने बनाई है इस तरीके से, और सॉस के साथ खाएंगे। हाँ तो और तो लाऊंगी बना के, और कैसी बनी है, और इनको आदि को पकौड़ी बना के नमक, और ये खा रहे पकौड़ियाँ। और देखो मेरे पास ब्रेड पड़े थे और थोड़ी सी फिटी, तो अब ब्रेड पकौड़ा बना देती हूँ मैं नाश्ते में, और भिजवा देती हूँ मिस्त्री भैया को नाश्ता। और आज हम बना रहे हैं 2 अक्टूबर पकौड़ियाँ, और ब्रेड पकौड़े बनाए अपने लिए हम लोगों ने। और बताना किस किस ने बनाया 2 अक्टूबर। और देखो अभी मैं थोड़ी देर में मिलूंगी आपसे, आप भी खा लीजिए नाश्ता। और छुट्टी होती है सब लोगों की तो मन भी करता है कुछ बनाने का, आज मैंने सोचा चलो बनाते हैं। और देखो मेरी रसोई फैल गई है, अब इस करती हूँ मैं साफ क्योंकि हाथ नहीं चलता रसोई गंदी पड़ी हो तो। और इसके बाद बनाऊंगी मैं पकौड़ी कड़ी के लिए,
और मेरी कड़ी में जो तेल में ना थोड़ा थोड़ा काला काला हो गया उसकी छान। और देखो मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अब 2 बजे करीब आएंगे तब बनाऊंगी खाना। और देखो घर पड़ा है मेरा कितना गंदा, अब इसे सही करूंगी। और जा रहे हैं मेरे हस्बैंड, और देखो छुट्टी वाले दिन भी इनको चैन नहीं है, ये इनको कोई ना कोई काम चलता रहता है इनका। और देखो मैंने सारी कर दी थी क्लीनिंग, लेकिन बच्चे कर गए सारी खराब, और फिर दोबारा समेटना पड़ेगा सारा। बच्चे ना सारे ऐसे कर देते हैं, और अभी गए हैं पले घर, क्योंकि ये थोड़ी शांति है। और सुबह कर दी थी सफाई, लेकिन फिर भी मैसी मैसी सा कर देते हैं। पहले कर दिया था इसलिए थोड़ा थोड़ा ही कर दूंगी, और आजकल तो वैसे भी घर गंदा ही रहता है, ज्यादा साफ नहीं हो पाता। बेड की बेडशीट भी कर देती हूँ सही, बेड की बेडशीट तो सही रहने नहीं देते। और देखो मेरे हस्बैंड लाए हैं ये एलोवेरा जेल, ये भी पीते हैं, रामदेव बाबा का है, बहुत अच्छा होता है, ये पीते हैं, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, वैसे भी एलोवेरा बहुत अच्छा होता है। और देखो गौमूत्र भी लाए थे, ये पीते हैं अंकल जी, ये बहुत फायदा करता है गौमूत्र भी। और देखो अंदर वाली बेडशीट भी कितनी बेकार कर रखी है बच्चों ने, बच्चे काम फैला देते हैं सारा। सारी सफाई हो गई थी, लेकिन दोबारा करना पड़ता है बच्चों के घर में, मेरे घर में तो ऐसा ही होता है। और आ जाते हैं बच्चे, सारा फैला के चले जाते हैं। कर देती हूँ रसोई की क्लीनिंग, देखो सारा करना पड़ा है, मेरे हाथ नहीं चलते जब तक क्लीनिंग ना हो रसोई में या कहीं भी, मेरे हाथ नहीं चलते, इसलिए पहले मैं करनी क्लीनिंग। सारा फैल गया मेरा काम, रसोई फैल गई मेरी, अब इसकी क्लीनिंग कर दूंगी और इसके तेल को छान लूंगी। पकौड़ी में देखो बहुत सारा काला काला हो जाता है, तो फिर कड़ी अच्छी नहीं बनेगी, और इसलिए मैं इसे छान के जब बनाऊंगी। और देखो मैं गैस भी पोंछ लूंगी, मैं नहीं कर सकती गंदी रसोई में काम, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तक बिल्कुल साफ ना हो जाए। और देखो फिर हो गए बर्तन मेरे, इन्हें पहले वॉश कर लेती हूँ। और देखो मच गए मेरे बर्तन, अब इन्हें लगाऊंगी और कर दूंगी क्लीन। और देखो रसोई हुई मेरी क्लीन, और अब मैं बनाती हूँ कड़ी। और ये ले लिया मैंने बेसन, इसे मैं घोल लूंगी पहले कड़ी के बेसन को, फिर मैं इसी को घोल के, गांठे नहीं पड़ती, इसी को घोलने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी, मट्ठे में डाल दूंगी। और देखो मैं घोल के ऐसे डाल देती हूँ, गांठे नहीं पड़ती, अच्छे से हो जाता है। और रई से मैं फेंट दूंगी इसको, और ये बना दूंगी इसकी पकौड़ियाँ, इसको फेंट लूंगी बहुत सारा, बहुत अच्छे से जैसे पकौड़ियाँ फ्लफी बने। और इस कढ़ाई में डालूंगी तेल, जिसमें पकौड़ी बनाई थी उसी में डाल लिया है तेल। और इसमें मैंने नमक डाल लिया, और हल्दी डाल ली, मिर्च डाल ली, हरी मिर्च नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे, और मेरी काका को तो बहुत पसंद है कड़ी, इसलिए उसके मुंह में जरा भी आ जाए ना तो वो नहीं खाती, इसलिए नहीं डालूंगी हरी मिर्च। हमें इसे खूब फेंटना है, और पहले भी मैंने एक बार रेसिपी दे दी है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, मैं अपने तरीके से बताती हूँ, इसलिए मैंने कई बार स्ट्रिक्ट भी हो जाती है, और नए नए जुड़ते हैं वो लोग भी नहीं देख पाते, इसलिए बता रही हूँ।
और कढ़ी तो सबकी ज्यादातर फेवरेट होती है। और आज है, आज मैं बनाऊंगी नहीं चावल बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ, और आज है एकादशी तो एकादशी को चावल बनेंगे नहीं। और देखो मैंने इतने अच्छे से फेंटा है, और देखो इसमें हवा भर गई। अब आप समझ सकते हो कि पकौड़ियां हमारी बहुत अच्छी बनेंगी। और देखो मैंने इसमें बेसन डाल दिया था, तो मैं इसको रही से चला दूंगी, ये सारा मिक्स हो जाएगा इसमें। और इसी में डाल दूंगी मैं मसाले सारे अपने, सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का, कोई कैसे बनाता है कोई कैसे, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और ये मैंने कर लिया, और देखो मेरी बन गई पकौड़ियां। और देखो मैं इसी में डाल दूंगी मसाले, हल्दी डाल दी मैंने, और डाल दूंगी मिर्च, टेस्ट के हिसाब से मिर्च डाल सकते हैं। और इन मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई में है तेल मेरा ज्यादा, इसे निकाल लूंगी, आराम से निकालना चाहिए, गरम है। और मेरी फेवरेट हींग डल गई, और इसमें डाल देंगे हम मेथी दाना, मेथी दाना में ही छोकती हूँ मैं। और इसमें मेरा सारा मसाला पड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही डाल देंगे। और देखो हम चलाते रहेंगे इसको, छोड़ेंगे नहीं, और जब तक चलाएंगे, क्योंकि जब तक चलाते रहेंगे जब तक उबाल ना आ जाए, क्योंकि फटने का डर रहता है। और आज है मेरी बीच वाली देवरानी का बर्थडे, और गांधी जी का भी बर्थडे है, दोनों का बर्थडे है। और देखते हैं क्या होता है, अगर सेलिब्रेशन करती है वो जैसे, तो फिर मैं जाती हूँ उसके घर, लेकिन वो इतना कुछ करती नहीं है, सिर्फ समोसे वगैरह मंगा लेती है और पार्टी कर लेती है वैसे ही। और देखो लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि हो रहा है बहुत गंदा, मिट्टी मिट्टी हो रही है सारे में, और कई बार झाड़ू लग जाती है हमारे, लेकिन फिर भी साफ नहीं रहता। और देखो मेरी कड़ी खदक गई है, और देखो कट रही है बहुत देर से। अब इसमें डाल दूंगी पुए, और देखो मेरे पुए बहुत अच्छे बने, और तोड़ के डाले हैं मैंने पुए। और देखो मैंने लगा दिया कड़ी में छौंक हींग जीरे का, और देसी घी का हींग जीरे का छौंक लगा दिया मैंने। और अब आ गए मेरे हस्बैंड, और अब बनाऊंगी मैं खाना। और वैसे उन्हें इतनी भूख नहीं थी, बोल रहे थे एक रोटी बना दे, और आज एकादशी की वजह से नहीं, मैं तो चावल ही बनाती, लेकिन आज मैंने बना दिया, अब बना रही हूँ रोटी, और वो खा लेंगे, और उनके लिए देने जा रही हूँ। और 2 बज गए, आज 2 क्यों, और ज्यादा ही हो का टाइम हो रहा है। और अभी अभी आए हैं बिल्कुल, तो मैं दे देती हूँ उनके लिए रोटी। कड़ी मेरी बन गई अम्मी वाली, और छौंक मौक सब लग गया। और आप भी खा लीजिए कड़ी मेरी यम्मी वाली, और देखो छौंक वाली मिर्च, छौंक वाली मिर्च किस किस को पसंद है बताना, सबको बहुत अच्छी लगती है छौंक वाली मिर्च, और कड़ी के साथ तो मजा आ जाता है। और देखो मेरे हस्बैंड ने, हस्बैंड खा रहे खाना, उन्हें दिया ही मैं। और अब 2 बज गए, अब करती हूँ वीडियो का एंड, और खाना पीना अब मेरा हम लोगों का खाएंगे, अभी बना के रख ली मैंने अपनी और इनके लिए दे दी, और करती हूँ वीडियो का एंड। जय माता दी।